हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए आज मैं आपको बताऊंगी कौन से कैप कैसे बनाते हैं। तो ये कैप आप किसी भी लेडीज़ के लिए, गर्ल्स के लिए, चाहे जेंट्स के लिए भी बना सकती हैं। तो देखिए, मैंने एक कैप इतना बना लिया है। ये हमारे यहाँ से तो इतना बॉर्डर है और ये हमारा डिज़ाइन है कैप का। तो ये बॉर्डर देखिए हमारा डबल मुड़ा हुआ है। आइए मैं आपको बताती हूँ कि इसकी शुरुआत कैसे करें। ये देखिए, मैंने इतना बॉर्डर ही ले लिया है, बना लिया। इसमें भी थोड़ा सा मैंने दिखाने के लिए थोड़ा सा ही बनाया है। तो हमारा जो बॉर्डर ये मुड़ा हुआ है, इसको ऐसे हमें राउंड की तरह करने के लिए हमें इस बॉर्डर को ऐसे रोल कर देना है और यहाँ इस पर एक सिलाई कर देंगे आप इस पर सुई की सहायता से, इसके किनारे किनारे। तो आपका ये बॉर्डर भी देखिए मुड़ा हुआ हो गया, ये आप देख सकते हैं। तो आपको ये बॉर्डर जितना चौड़ा रखना है, मैंने इतना बनाया है। आपको अगर इतना और ज़्यादा रखना है तो आपको इसकी लंबाई और ज़्यादा करना होगा, तो फिर आपका बॉर्डर ऐसे ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब इस बॉर्डर के बाद हमें डिज़ाइन बनाना है, तो मैं इस डिज़ाइन को आपको बताती हूँ। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें सबसे पहले देखिए कि ऐसे आगे की तरफ फंदा करके और इसको इसमें लपेट के ऐसे बिनना नहीं है और उतार लेना है। और फिर हमें इसमें एक सिंगल धागा ऐसे बुन लेना है। फिर हमें इसको ऐसे ऊपर से ऐसे घुमा के, देखिए घुमा के और उतार लेना है। फिर हमें इसमें कैसे बुन के और उतार लेना है। फिर हमें इसको बुनना नहीं है। फिर देखिए मैंने इसको घुसाया इसमें और ऐसे ऊपर से धागा लपेट के, और ये देख सकते हैं आप, मैंने इसको बुना नहीं, ऐसे उतार लिया। फिर हमें एक फंदे को ऐसे बुन के लपेट उतार लेना है और फिर एक दूसरे को ऐसे इसमें घुमा के और ऐसे ही उतार लेना है बिना बुने। तो देखिए मैंने इस एक फंदे को बुन लिया और दूसरे फंदे को मैंने ऐसे लपेट के और इसको ऐसे ही उतार लिया। फिर मैंने इसको एक बुन लिया और फिर इस दूसरे को ऐसे ही लपेट के और उतार लिया। फिर मैंने इसे एक बुन लिया और दूसरे को ऐसे लपेट के उतार लिया। हमें इसी तरीके से एक फंदे को बुनना है और दूसरे को ऐसे घुमा के इस पर उतार लेना है। ये देखिए मैंने इसको लपेट और उतार लिया और इसको बुन लिया। अब हमें उल्टी साइड से देखिए हमें क्या करना है कि ये जो हमारा इसमें देखिए लपेटा हुआ उल नहीं है, आप ये देख सकते हैं लपेटा हुआ, आपको पता चल जाएगा। तो जो हमारा लपेटा हुआ नहीं है, हम इसको ऐसे ही बुन लेंगे। ये देखिए अब ये दिख रहा है कि हमारा लपेटा हुआ है। देखिए आप ये देख सकते हैं कि लपेटा हुआ फंदा ऐसे लंबा से दिखेगा। तो इसको हम बिना बुने ऐसे उतार लेना है, और जब एक उतार लेंगे तो हमारे इधर बिनने वाला दो फंदा बन जाएगा। देखिए मैंने एक बुन लिया और देखिए कि लपेटा हुआ नहीं, बुना हुआ है, तो हमें इसको भी बुन लेना है। और ये आप देखिए कि लपेटा हुआ फिर से फंदा आ गया, तो हमें इसको ऐसे उतार लेना है। और फिर हमें इसको ऐसे दो फंदे और बुन लेने हैं और फिर हमें इसको ऐसे उतार लेना है। देखिए हमें इसी तरीके से इसको पीछे की साइड से बिनना है, उल्टे साइड से। तो दो फंदा हमारा बुनने वाला आएगा और ये कैसे उतारने वाला आएगा। ये फिर हम यहाँ से दो बुन लेंगे और दो के बाद हमारा देखिए फिर तीसरा हमारा ये दिख रहा है आपको कि इसको ऐसे उतार लेना है। फिर हमारे देखिए दो आ गए, तो हम इसको ऐसे उतार लेंगे और फिर इन दो को ऐसे बुन लेंगे। ये देखिए फिर आ गया ये लपेटा वाला, तो इसको उतार लेंगे ऐसे बिना बुने। हमें ध्यान रखना कि जो लपेटा हुआ उधर से फंदा है उसको हमें बुनना नहीं, ऐसे उतार लेना है। ये देखिए फिर हमारा ये आ गया, तो हम इसको ऐसे ही उतार लेंगे इसमें। और इसके आगे से फिर हम इसके देखिए फंदा बीच में छूट गया, तो हम इसको ऐसे बुन लेना है। तो ये हमारा उल्टे साइड से हो गया। अब देखिए हमारा फिर से सीधे तरफ से आ गया। देखिए अब हम फिर सीधे तरफ से बनाते हैं। आप देखिए कि अब हमें इन दोनों को, ये देख सकते जो हमने पहले बार में लपेट लिया था, हमें इन दोनों को एक साथ ही ऐसे बुन लेना है। अरे देखिए जो मैंने उधर से बिना था हमारा बीच का फंदा है, तब हमें इसको ऐसे इसमें ऊपर से लपेट के और उतार लेना है। फिर ये देखिए हमारा दो एक पे कैसे सटा हुआ है, तो हमें इन दोनों को एक साथ बुन लेना है। और देखिए हमारा एक फंदा ये अलग है, तो हमें इसे एक में ऐसे लपेट के उतार लेना है। फिर हमारा ये दोनों एक में सटा हुआ है, तो हमें इन दोनों को एक साथ बुन लेना है। और जो हमारा एक फंदा ये अलग दिख रहा है आपको ये, तो हमें इसको
ऐसे इसमें घुमा के लपेट के उतार लेना है। फिर हमारा ये दोनों देखिए, ये दोनों एक में एक सटा हुआ है, तो हम इन दोनों को एक साथ ही बिन लेंगे। और फिर हमारा एक सिंगल फंदा आ गया, तो हम इसको ऐसे घुमा के उतार लेंगे। ये फिर देखिए, हम इसी तरीके से जो मैंने उस टाइम लपेटा हुआ था, ये हमारा फंदा इसके ऊपर से सट गया है इसमें, तो हमें इन दोनों को एक साथ ऐसे बिन लेना है। और जो सिंगल फंदा दिखेगा इसको हमें ऐसे उतार लेना है लपेट के। इसी तरीके से इस पूरे को बुन लेते हैं। देखिए हमारा किनारे आ गया है, तो हमें इन दोनों को एक पिक जो सटा हुआ इसको ऐसे बिन लेना है। और हमारे लास्ट में एक ही फंदा बच गया, तो हम इसको ऐसे ही बिना लपेटे बुन के उतार लेंगे, नहीं तो हमारा किनारे डिजाइन नहीं बन पाएगा। देखिए हमारा फिर से उल्टे साइड से आ गया, तो हमें इसको फिर से क्या करना है कि ये हमें इसको एक लपेट के इसमें उतार लेना है। लपेट के उतार लेते हैं। हमें ये देखना होगा कि हमारा लपेटा हुआ सटा वाला फंदा कहाँ है। तो देखिए हमारा इसमें सटा वाला फंदा ये दोनों दिख रहा है, तो हमें इस फंदे को सबसे पहले सादा बुन लेना होगा ऐसे ही। ये देखिए मैंने इसको पहले ऐसे बुन लिया। अब ये हमारा फंदा जो सिंगल दिख रहा है, हमें इसमें लपेट लेना है ऐसे। फिर जो हमारा दोनों सटा हुआ फंदा आ गया, तो हमें दोनों को एक साथ बुन लेंगे। अभी देखिए फिर हमारा सिंगल फंदा आ गया, तो हम इसको ऐसे लपेट के उतार लेना है। फिर ये जो हमारे दो एक साथ है, तो हमें दोनों को एक साथ बुन लेंगे। फिर ये हमारा सिंगल फंदा आ गया, तो हमें इन दोनों को एक साथ ऐसे लपेट के उतार लेना है। फिर इसी तरीके से हमें दो को एक साथ बुन लेना है, और एक जो सिंगल फंदा दिखेगा उसको ऐसे लपेट के इसमें उतार लेना है। फिर हमारा दो फंदा आ गया, तो हमें दोनों को बुन लेंगे। और एक सिंगल आ गया, तो हम इसको ऐसे लपेट के उतार लेंगे। ये देखिए हमारा फिर दो आ गया, तो हमें दोनों को एक साथ बुन लेंगे। और फिर इस अकेले सिंगल वाले फंदे को हम ऐसे उतार लेंगे। देखिए हमारा फिर लास्ट में आ गया, तो हम इसको ऐसे ही बुन लेते हैं। उल्टे साइड से हमें फिर ऐसे ही करना है, जो मैंने लपेटा उसको ऐसे उतारना है, और जो हमारा बिना हुआ फंदा है तो इसको हम ऐसे बुन लेंगे। अभी देखिए मेरा लपेटा हुआ फंदा आपको दिख रहा है, ये लपेटा हुआ फंदा है, तो हम इसको ऐसे उतार लेंगे। बाकी एक उतारने के बाद हम बीच में दो फंदे बुनाई करने पड़ते हैं। देखिए हमारा फिर से लपेटा वाला फंदा आ गया, तो हमें इसको फिर ऐसे उतार लेना है। फिर इस बीच में दो को ऐसे बुन लेना है। देखिए हमारा फिर से एक आ गया लपेटा वाला फंदा, तो हम इसको ऐसे उतार लेते हैं। इसी तरीके से हमें उल्टे साइड से बुनना है। देखिए मैं फिर सीधे तरफ से आ गई, तो इसको फिर उसी तरीके से बुनना है। हमें सिंगल वाले फंदे को ऐसे लपेट के उतार लेना है, और जो हमारा डबल फंदा है उसको दोनों एक साथ बुन लेना है, ताकि हमारा फंदा ज़्यादा बढ़े ना। डबल वाले को एक साथ बिन देना है, और जो हमारा सिंगल है इसको ऐसे उतार लेना है। हमें उल्टा और सीधे से ऐसे ही बिनना है, इस तरीके से हमारा डिज़ाइन बन जाएगा। आप भी देख सकती हैं कि मेरा डिज़ाइन बन गया है। जैसे मेरा ये डिज़ाइन बना है, वैसा सेम सेम ये भी डिज़ाइन बन गया है। हमें डिज़ाइन इसी तरीके से बनाना है। अभी तक तो मैंने आपको सिर्फ इस बॉर्डर को और इस डिज़ाइन को बनाना बताया, कि इस बॉर्डर कैसे बनाएंगे और डिज़ाइन कैसे बनाएंगे। अगर आपको इस पूरे कैप का डिज़ाइन देखना है, तो आप मेरे साथ बने रहें। आप मेरा पूरा वीडियो देखेंगे तभी आप ये कैप बना पाएंगे, नहीं तो आपका कैप अधूरा ही रह जाएगा। ये टोपी बहुत ही खूबसूरत बनता है लास्ट में। ये देखिए कि मैंने ये बॉर्डर जो मैंने कम फंदे के बनाया, कुल लग मेरे 20 फंदे का है, 20 फंदे का, और ये सारा कैप मैंने 120 फंदे का बनाया है। मैंने ये 100 फंदा इसे कम है, तो इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए कम फंदे के बनाए, कि मैं जल्दी वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। तो आपको अगर किसी बड़े लेडीज़ के लिए बनाना है, एजेड लेडीज़ के लिए, तो उसके लिए आप 120 फंदे का बनाएंगी। ये मेरा ऊन वर्धमान कंपनी का है, थोड़ा पतला है। अगर आपका ऊन थोड़ा मोटा है, तो आप उसको 100 फंदे का, 90 फंदे का ही बनाएंगी, तो आपका कैप अच्छा बन जाएगा। ये वर्धमान कंपनी का ऊन थोड़ा हल्का आता है, इसलिए मैंने इसको 11 नंबर की सिलाई यूज किया है। ये अगर आपका ऊन मोटा है, तो आप उसको 10 नंबर से या 9 नंबर से भी बना सकती हैं। तो आपको ये फंदा 120 लेना होगा टोटल, और आपको बॉर्डर अपने अकॉर्डिंग, जितना आपको ज़्यादा बॉर्डर रखना है
तो आप ज़्यादा रख सकती हैं, ये तो मैंने सिर्फ चार उंगुल का ही बनाए, देख सकती हैं आप ये मेरा चार उंगुल का बॉर्डर है। और ये हमारे ऊपर का डिज़ाइन, हमें बिल्कुल फंदा इधर बढ़ाना नहीं है, यहाँ से यहाँ तक हमें इसको इतने में ऐसे 120 फंदे को ही ऊपर बनाते जाना है। अब ये हमारा फंदा देखिए ऐसे बन गया है, आपको सिर्फ इतना बना के ये बॉर्डर ये बनाना है आपको, और ये डिज़ाइन है मेरा, आपको ये डिज़ाइन इतना बनाना है। इसके बाद मैं अभी आपको बताती हूँ कि हम ये कैप कैसे बनाते हैं। आपको जिस किसी का भी ये कैप बनाना है तो आप उसके सिर का नाप ले सकती हैं, अगर आप उसके सिर का नहीं नाप लेंगे तो किसी के भी सिर से नाप सकती हैं, या वैसे भी आप कम से कम आपको ये कैप आपको 12 उंगुल का होना चाहिए। तो देखिए हमारा 8 उंगुल का हो गया है, हम इसमें 4 उंगुल और बिनना है ऊपर से, तो हम इस 4 उंगुल में इस फंदे को घटाना शुरू करेंगे। आप ये देखिए कि हमें यहाँ से 20 फंदे इधर की तरफ बिन लेना है, और ये डिज़ाइन तो मैं आपको बता चुकी हूँ, हमें 2 फंदे एक साथ बुनना है और एक हमें जो खाली फंदा होगा सिंगल उसको लपेट के उतार लेना है, फिर हमें इन 2 फंदों को एक साथ बुन लेना है। जो हमारा सिंगल फंदा होगा उसको ऐसे हम लपेट के उतार लेंगे, फिर हमारा ये 2 फंदा इसको ऐसे लपेट ले उतार लेना है बिन के, और जो सिंगल होगा इसको हमें ऐसे लपेट के उतारना है बिना बुने। इस तरीके से हम इसमें 20 फंदे बुनते हैं। अब हमें यहाँ से इसको घटाने की शुरुआत करना है, तो अभी देखिए कि हमारा जो सिंगल फंदा है इसको हमें तो लपेट के ऐसे उतारने वाला है, तो इसको हम लपेट के उतारेंगे नहीं, हमें एक इस फंदे को ले लेना है, और ये 2 हमारा फंदा एक साथ जुड़ा हुआ है तो हमें 2 फंदे को एक साथ घटाना है। तो हम इस दोनों फंदे को ऐसे एक में ही फंसा के, और ये हमारे मैंने 2 फंदे एक साथ बिन लिए यहाँ पे, तो हमारा यहाँ लपेटने वाला आ गया है, तो हम इन तीनों फंदों को ऐसे एक साथ उठा के और इसमें से लपेट के और उतार लेंगे। हमें देख सकते हैं आप हमारे फिर आगे 3 फंदा आ गया है, ये ऐसे एक तो लपेट के उतारने वाला आ गया है और ये तो बुनने वाला आ गया है, तो हमें इन तीनों को लपेट के उतारना नहीं, मैंने 3 फंदा इसमें कम कर दिया। और ये देखिए 3 फंदे को मैं इसमें इन तीनों को ऐसे करके और बुन के उतार लूँगी, तो हमारा 3 फंदा यहाँ कम हो गया। ऐसे हम बनाएंगे तो हमारा डिज़ाइन ख़राब नहीं होगा। और देखिए मैंने एक बुन लिया है, हमारा सिंगल फंदा तैयार हो गया, और ये जो सिंगल फंदा है इसमें हमको ऐसे लपेट के और उतार लेना है। वही देखिए किस तरीके से हम बनाएंगे, तो हमारा डिज़ाइन बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हो रहा है, ख़राब नहीं होगा। मैं आपको फिर बताती हूँ कि अब देखिए हमारा 2 फंदे वाला आ गया, तो हम इस दोनों को एक साथ बुन लेना है, फिर हमारा जो सिंगल फंदा आ गया तो हम इसको ऐसे लपेट के उतार लेंगे। इसी तरीके से हमें इधर आगे भी फिर 20 फंदे और बनाने हैं। अब हमें फिर उसी तरीके से घटाना है कि आप देखेंगे मैंने 2 फंदों को एक साथ बुन लिया है और हमें यहाँ पर लपेट के उतारने वाला आ गया, तो हम इसको लपेट के इसको और इसको इन तीनों को एक साथ लपेट के उतार लेंगे। देखिए ये हमारा एक तो सिंगल फंदा वाला है और जो हमारा 2 एक साथ बुनने वाला है, हम इन दोनों को एक में ही फंसा के ऐसे और लपेट के उतार लेंगे। और फिर हमारा जब यहाँ बुनने वाला फंदा आ गया तो हमें इसको जो लपेटने वाला है इसको और इस दोनों को ऐसे बुन लेंगे दोनों फंदे को। तो ये देखिए हमारा बुन गया यहाँ पे, तो फिर हमारा लपेट के उतारने वाला फंदा आ गया। ये हमारा एक बुना एक लपेट लिए हमने उतार लिए लपेट के 3 फंदे के एक साथ, फिर हमने 3 फंदे को एक साथ यहाँ बुन लिया और फिर हमारा ये लपेट के उतारने वाला आ गया। इस तरीके से हमारा जैसे डिज़ाइन बन रहा है उसी तरीके से बनता जा रहा है, हमारा डिज़ाइन कहीं से बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। मैं आपको पूरे कैप को घटाना बताऊँगी कैसे कैसे घटाते हैं, आप मेरे साथ बने रहें। देखिए मैंने इस तरीके से फिर यहाँ 20 फंदे और बुन लिया है, तो मैंने 2 फंदे को आपस में बुन लिया है ये, और हमें यहाँ लपेट के उतारने वाला आ गया है, तो हमें इसको फिर से ऐसे 3 फंदों को एक साथ करके लपेट के और उतार लेना है। देखिए मैंने लपेट के उतार लिया, फिर हमारा सिंगल फंदा आ गया और ये जो डबल वाला, इन दोनों को हम एक में करके ऐसे और बुन लेंगे। हमें ये देखना है इधर से कि डिज़ाइन में जब मैं फंदा घटाते बढ़ाते समय कि एक तो मैंने देखिए लपेट के उतार लिया है और फिर हमारा सिंगल फंदा है, फिर हमने लपेट के उतार लिया और हमारा फिर सिंगल फंदा आ गया, हमें फिर यहाँ लपेट के उतारने, तो देखिए हमारा सिंगल फंदा बच गया लपेटने वाला, तो हम इसको ऐसे इसमें लपेट के उतार लेंगे, फिर हमारा ये 2 बच गया, तो हम ऐसे इसको एक साथ बुन लेंगे। आपको इसी तरीके से इसमें जितना फंदा है कम से कम आपको इसमें 4 बार घटाना है, तो मैंने ये देखिए इसमें 3 जगह तो घटा दिया, मैं इसमें एक जगह और घटाऊँगी, फिर हमें 20 फंदे और बुन के फिर घटाते हैं। अब हमें फिर उसी तरीके से घटा देना है, तो देखिए हमारा सिंगल फंदा आ गया है, वो मैं लपेट के उतारने वाला बिनना है, तो हम इन तीनों को एक साथ लेंगे, हम ऐसे लपेट के उतार लेंगे और फिर हम इन तीनों फंदों को एक साथ
हमें अच्छे से इसमें फंसाना कि हमारे तीनों फंदा सिलाई में आ जाए, नहीं तो हमारा डिजाइन बिगड़ जाएगा। यहाँ से देखिए मैंने तीनों फंदों को फंसा लिया है। इन तीनों को हम एक साथ ऐसे बुन लेते हैं। हम फिर यहाँ लपेटने वाला आगे, तो देखिए इसको लपेट कैसे उतार लेना है। इस तरीके से हमारा डिज़ाइन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। मैं आपको उल्टे साइड से दिखाऊंगी कैसे बना। अभी देखिए हमारा उल्टे साइड से आ गया है, ये देख सकते हैं आप। तो हमें इसको तब तक ऐसे ही बिनना है। देखिए एक तो हमारा ये है, ऐसे बना लेंगे। फिर जो हमारा लपेटा वाला फंदा आगे पे देख सकते हैं डिज़ाइन जैसे बनाते हैं, तो इस लपेटे वाले फंदे को ऐसे उतार लेना है। और फिर हमें इस दो को फंदे को ऐसे बुन लेना है। दो फंदे के बाद हमारा ये लपेटा वाला फंदा आता है। तो देखिए मतलब फिर लपेटने वाला फंदा आ गया, तो इसको हमें ऐसे उतार लेना है। फिर हमें एक और बुनना है, तो देखिए यहाँ नहीं है, तो हम इसको भी ऐसे बुन लेंगे। फिर ये हमारा देखिए लपेटने वाला फंदा आ गया, तो हम इसको ऐसे ये देख सकते हैं आप, तो हम इसको ऐसे उतार लेंगे। फिर हमारे यहाँ दो फंदा बिना ऐसे ही है, तो हम इसको ऐसे बुन लेंगे। दो के बाद फिर हमारे लपेटा वाला आ गया, तो हम इस तरीके से बुनते हैं जहाँ तक हमें फंदे को घटाना है वहाँ पहुँचते हैं। ये देखिए मैं आ गई हूँ इस लपेटे वाले फंदे के पास जहाँ हमने घटाया है। तो हमें जो लपेट के फंदा मैंने उतारा है, इसको तो हमें ऐसे उतार लेना है। और फिर यहाँ जो हमारा तीन फंदा है, तो हमें ये देखना है कि फिर हमारा लपेटने वाला फंदा, ये देखिए तीन चौथे फंदे के बाद ये है। और हमें लपेटने वाले उतारने के बाद हमें बीच में दो फंदे और बनाने हैं। अब देखिए तो हमारा लपेटा वाला फंदा है, इसके उतारने के बाद हम बीच में दो फंदे और बनाने हैं। तो हमें दो फंदे और बनाने के लिए इन दो को एक साथ बुन लेंगे, और इन दो को एक साथ बुन लेंगे। तो हमारा बीच में दो फंदा हो गया। आप ये देख सकते हैं कि तुम्हारा लपेटा वाला फंदा है, और फिर बीच में दो फंदे को और बुन लिया है, फिर हमारा लपेटा वाला फंदा आ गया। तो फिर हम इसको उतार लेंगे। अब यहाँ से मैंने घटाया था, तो घटाने वाला फंदा मेरा आ गया। और देखिए सीधी तरफ से आपको दिखाऊँगी। अब आप ये देख सकते हैं कि हमारा फिर जहाँ घटाया मैंने दूसरी जगह आ गया है। तो हमें तो एक फंदा मैंने ऐसे बुन लिया है। अब हमें इस लपेटे वाले फंदे को देखिए हमारे लपेटने वाला आ गया है ये। तो हमें इस लपेटने वाले तो ऐसे उतार लेना है बिना बुने। और फिर हमारा ये देखना है हमें यहाँ पे कि हमारा लपेटा वाला फंदा कहाँ है। तो ये हमारा देखिए चार ऐसे ही है, और जो हमारे पांचवा फंदा है ये मैंने इसको लपेटा हुआ है, देख सकते हैं आप इस पर ऐसे। तो हमें इन दो को एक साथ बुन लेना है। हमें ये देखना है यहाँ पर कि लपेटर जब मैं उतारे तो हमें बीच में दो फंदे सिंगल बनाने हैं बिना लपेटने वाले से। तो देखिए हमारा एक फंदा ये सिंगल हो गया, और जब मैंने इन दो को एक साथ बुन लिया तो हमारा एक फंदा ये सिंगल हो गया। अब इसके बाद आप देखिए हमारा फिर लपेटने वाला फंदा आ गया, तो हम इसको फिर से उतार लेंगे। और फिर हम इसी तरीके से देखिए हमारा एक सिंगल मैंने बनाया, फिर एक और बनाया, तो हमारा दो के बाद ही फिर लपेटने वाला फंदा आ गया। इसी तरीके से हमें इस पूरे सिलाई को ऐसे बुन लेना है। हमारे फिर से इसी तरफ से आ गया, तो हम इधर से 18 फंदे बुनाई करेंगे। तो डिजाइन तो मैं आपको बताई कि देखिए जो हमारा लपेटा वाला है, तो हमारा सिंगल फंदे में हम इसको ऐसे लपेट के उतार लेंगे। और जो डबल ये है लपेटा वाला, तो इसको हम दोनों को एक साथ बुन लेना है। फिर हमारा सिंगल आ गया, तो हम इसको ऐसे लपेट के उतार लेंगे। और फिर जो हमारा डबल है, तो इसको एक साथ बुन लेना। हम इस तरीके से 18 फंदे को और बुन लेते हैं। अब देखिए हमारा फिर से घटाने वाला आ गया है, तो मैंने सिंगल फंदे को बुन लिया है। हमें इसको घटाना है, तो हम इस वाले फंदे को और इसमें से एक ये फंदा ले लेंगे लपेटे वाले के साथ। तो हम इसको ऐसे लपेट के और उतार लेंगे। ये लपेट के मैंने उतार लिए है, और फिर इन तीनों फंदों को हमें एक साथ ही बुनाई कर लेना है। फिर हमारे देखिए डिज़ाइन बन गया, मैंने बुन लिया है। तो फिर हमारे लपेटने वाला फंदा आ गया, और ये सिंगल है, तो हम इसमें ऐसे लपेट के उतार लेंगे। तो मेरा डिज़ाइन कहीं से ख़राब नहीं हुआ। एक लपेट के मैंने उतार लिया तीन फंदे में, और यहाँ तीन फंदे को बुन लिया, फिर इसने सिंगल फंदे को उतार लिया, और फिर मैं दो फंदे को ऐसे इसमें बुनाई करूँगी। तो इसी तरीके से हमें सारे फंदे को इस लाइन में घटाने हैं। फिर आपको उल्टा साइड बताती हूँ। यहाँ पर देखिए हमारा फिर से मैंने जहाँ घटाई थी वो फंदा आ गया। तो हमें इस तीन फंदे को एक साथ फिर से बुन के उतार लेना है ऐसे लपेट के। देखिए मैंने तीन फंदे को एक साथ ले लिया है ये। फिर मुझे ऐसे लपेट के उतार लेना है, ये लपेट के उतार लेना है। और फिर हमारा ये एक दो और ये तीन फंदे को बुन के निकाल लेना है। जब मैंने ये बुन लिया, तो देखिए हमारा फिर से लपेटने वाला आ गया, सिंगल फंदा दिख रहा है आपको। तो हम इसमें फिर से ऐसे लपेट के उतार लेंगे। फिर हमें इसको ऐसे बनाना है। हमें इस पूरे सिलाई में सिर्फ चार जगह ही घटाना है। मेरा 120 फंदा, इसलिए मैं इसको चार जगह ही घटा रही हूँ।
अगर आपका फंदा और कम है तो आप इसे कम भी घटा सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा घटाएंगे तो आपका कैप ख़राब हो जाएगा। अगर हम इसे ध्यान देकर नहीं घटाएंगे तो हमारा फंदा ख़राब हो जाएगा। आप ये देखिए कि मैंने लपेट के उतार लिया है एक, और फिर मैंने एक दो को एक साथ बिन लिया है। फिर जब हमारा एक लपेट के उतारने वाला आ गया तो हम एक को नहीं, हम इन तीनों को अगर लपेट के उतार लेंगे तो फिर ये हम तीनों को एक साथ बिन देंगे, तो फिर देखिए हमारा सिंगल बिन के उतार लपेटने वाला आ जाएगा। तो मैं देख के उतारना, जब मैं तीनों को एक साथ लपेट लिया तो फिर हम इन तीन को एक साथ बुन देंगे। जब इन तीन को मैं एक साथ बुनती तो देखिए हमारा फिर से एक उतार के लपेट के उतारने वाला आ गया। तो इस तरीके से हमारा डिज़ाइन ख़राब नहीं होगा, हमारा डिज़ाइन बनता जाएगा। हमें इसी तरीके से तीन चार सिलाई और बिनना है। आप देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था तो हमारा आठ अंगुल का था, मैंने इस पर तीन चार सिलाई और बिन दिया है, पांच सिलाई, तो हमारा दो फिंगर और बढ़ गया। और हमारा इस पर फंदा भी बहुत ज़्यादा है तो हमें इसको तब तक एक सिलाई में चार चार बार घटाते जाना है चार जगह, जब तक कि हमारा पूरे कैप की लंबाई तैयार ना हो जाए। तो आइए मैं फिर से घटाती हूँ इसको। देख सकते हैं आप मेरे चार और चार आठ, और मेरे दो फिंगर से और थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। अभी हमारा इस पर फंदा है तो मैं चार जगह के बदले में इस पूरे में मैं पांच जगह घटाऊंगी। अब तो मैं पांच जगह भी उसी तरीके से घटाने हैं जैसे हमने पहले घटाए थे। हम उसी तरह फिर से देखें घटाना है, मेरा सिंगल फंदा है और हमें इन तीनों को एक साथ इसमें से लपेट के उतार लेना है, और फिर इन तीनों को एक साथ बुन लेना है। तो देखिए हमारा फिर से लपेट के उतारने वाला आ गया, तो मैंने फिर इसको उतार लिया लपेट के, फिर हमारा ये दो एक साथ बुन देना है, फिर हमें इसको लपेट लेना है। हमें इसी तरीके से इस पूरे सिलाई में पांच जगह चार जगह और घटाना है, एक जगह तो मैंने घटा दिया, अब इधर चार जगह और घटाएंगे। इसी तरीके से हम पूरे ऊपर तक बिनते जाएंगे। देखिए हमारा अब लगभग इसकी लंबाई पूरा हो गया है, तो हमें इसको अभी दो तीन सिलाई और बनाएंगे। ऊपर दो तीन सिलाई को हम इसमें एक दो तीन जगह ही घटाएंगे। आप ये देख सकते हैं हमारे कैप की लंबाई पूरी हो चुकी है। ये हमारा कुल मिलाकर 12 फिंगर का हो गया है। तीन चार तीन बार देखिए, ये आठ उंगली और ये ऐसे देख सकते हैं हो गया है पूरा। अब हमें इसको सुई की सहायता से ये सारे धागे को इसी में पकड़ के बांध देना है। ये आप देख सकते हैं कि मैं इसको दो फंदे में कर लिया है, दो सिलाइयों में यहाँ से, और इसको हम आधा आधा कर देंगे। आप इसको ऐसे फिंगर से ना नाप के, और आप इंची टेप की सहायता से भी नाप सकते हैं तो आपका नाप क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारा 8 इंच से बस थोड़ा सा ही कम है। आप अगर लगभग 8 इंच का भी बनाना चाहें, ये देखिए ये हमारा 8 इंच है और ये लगभग बिल्कुल हल्का सा कम है। आप एक दो सिलाई और बना देंगे तो 8 इंच हो जाएगा। तो इसीलिए आप इसको नाप कर भी बना सकती हैं। आपको कम से कम इसको 6 इंच का तो वैसे बना लेना है बिना घटाए। जब 6 इंच का हमारा कैप बन जाएगा तब हम इसको घटाना शुरू कर देंगे, और ये बाकी के 2 इंच में हम इसको सारा फंदा घटा देंगे। अब देखिए मैंने कुछ फ्लावर बना लिए हैं। मैंने इसको सुई से बांधने से पहले मैंने सोचा कि पहले इसमें फ्लावर डाल दूँगी, तो आप डाल देंगे तो ज़्यादा आसानी से डरा जाएगा इसमें, फिर बाद में फ्लावर लगाने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो देखिए हमें सबसे पहले इसको इंची टेप की सहायता से नाप लेना है। तो हमारा कुल नेक 15.5 है, तो 15.5 का हमारा ये 7.5 पे आ गया। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा 7.5 पे है। इस वाली लाइन पर हम 7.5 पे एक फ्लावर रख देते हैं। ये मैंने देखिए जो पेंसिल से फ्लावर बनता है, अगर आपको इसका फ्लावर देखना है तो आप मेरे चैनल पर के डिज़ाइन चैनल मेरा नाम है, उस चैनल पे आके आप सर्च करेंगे के डिज़ाइन चैनल और सर पेंसिल से फ्लावर कैसे बनाते हैं, तो आपको इन सारे फ्लावरों के डिज़ाइन मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। तो इसको मुझे ऐसे ऐसे इन सब पे लगाना है बराबर बराबर करके, जो हमारा आगे दिखेगा। और ये भी मैंने बना लिया है, ये आप देख सकती हैं। ये फ्लावर मुझे यहाँ पे एक सेट करना है ऊपर ऐसे थोड़ा सा। अब हमें इसको सुई धागे की सहायता से इसको अटैच कर लेते हैं। आप देखिए ये मैंने सुई में धागा डाल लिया है, ये बड़ी वाली सुई है, और हमें सबसे पहले इस बीच वाले को, इस वाले फ्लावर को हमें इसमें अटैच करना है। तो आइए अटैच करते हैं।
ये आप देख सकते हैं मैंने सारे फ्लावरों को हटा लिया है और दो बीच वाले जो सबसे हमारे बीच का सेंटर मैंने उस फ्लावर को रख लिया है। अब हमें जहाँ से बॉर्डर और डिजाइन का है इसी पे आधा बॉर्डर पे और आधा डिजाइन पे रख के इसको सिलाई करना है। तो देखिए आप देख सकते हैं कि हमारा एक ही फ्लावर अटैच हो गया है। अब हमें इसी तरीके से आधा इधर और आधा इधर सारे फ्लावरों को अटैच कर लेना है, सुई से सिल लेना है। आप ये देख सकते हैं कि मैंने सारे फ्लावरों को सुई धागे की सहायता से अटैच कर लिया है, सिलाई कर लिया है इस पर। अब आइए जो हमारे सिलाई में जो फंदे बचे हैं हम उसको सुई की सहायता से इसको सुई पकड़ के बांधेंगे। देखिए मैंने सुई में चार लेयर का धागा डाल लिया है इसमें। ये देखिए ये चार तरह का धागा हमारा बहुत ही मजबूत होगा और ये हमारा गांठ खोलने नहीं देगा। तो हमें इसको पीछे की साइड से ऐसे एक एक करके और इस फंदे को सुई में डाल डाल के और निकालते जाना है। इसी तरीके से हम पूरे फंदे को सुई में डाल के दिखाती हूँ आपको। ये हमारा टोटल 50 फंदा बच गया है। अब ये देखिए कि मैंने इन सारे फंदों को सुई में भर लिया है। ये आप देख सकते हैं हमारा सुई है। अब हम इसको ऐसे खींच के धीरे धीरे खींचेंगे। ये सुई देखिए हमारा बाहर निकल गया। अब हमें इन चारों धागों को दोनों इधर वाला भी और इधर वाला भी पकड़ के और ये जो मैंने हमारा बिना हुआ ये फंदा है जो हमसे बिनाई कर रहे थे इस वाले फंदे को हम इसी के साथ पकड़ लेंगे। देखिए आप, और फिर हमें इन सबको पकड़ के एक साथ बहुत ही टाइट नोट्स लगा देना है यहाँ पे ताकि हमारा नोट्स कभी खुले ना और यहाँ पे हमारा छेद भी भर जाए। तो आप देख सकते हैं कि हमारे इसमें बिल्कुल भी छेद नहीं है। ये देखिए हमारा कैप बिल्कुल बंध गया है। तो हमें इसको दो तीन नोट्स यहाँ पर और लगा देना है। हमें इसको कैंची की सहायता से काट लेते हैं। देखिए अब हमें इसको यहाँ से नोट्स लगाते जाना है। तीन चार नोट्स लगा देंगे ताकि हमारा काफ़ी मजबूती से बंध जाएगा। देखिए मैंने लगा दिए इसमें नोट्स। अब जो ये हमारा धागा बच गया जो मैंने बिनाई करी थी इसको मैंने थोड़ा बड़ा ही काट लिया था। ये देखिए हमें इसको सुई में घुसा के और इसकी सिलाई करनी है। आप ये देख सकते हैं कि मैंने इस कैप को उल्टा कर लिया और ये जो हमारा नोट्स लगाया हुआ धागा है इसको मैंने उल्टे साइड से बाहर खींच लिया है। अब हमें इसको ऐसे अंदर खींच के और फिर इस पर सिलाई करते जाना है। हमें इसको इस तरीके से एकदम सटा के यहीं से और सिलाई कर देंगे ताकि हमारा यहाँ का छेद तो पहले से ही भर गया है और बिल्कुल भी यहाँ साँक नहीं होना चाहिए नहीं तो हमारा कैप अच्छा नहीं दिखेगा। हमें इसी तरीके से इसको ऐसे पकड़ पकड़ के और बहुत पास पास सिलाई कर देना है। अभी मैं आपको यहाँ तक हम सिलाई कर लेंगे, मैं आपको यहाँ बताऊँगी कि इसको सिलाई कैसे करना है। आप फिर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से लंबा सिलाई इतना कर लिया, सारे कैप की सिलाई हो चुकी है ये। अब हमें इसकी मोहड़ी की सिलाई करनी है जो हमारे बॉर्डर है। तो बॉर्डर में हमारा देखिए चार तह हो गया है। तो हमें सबसे पहले ये देखिए हमारा जो सीधे वाले सीधे तरफ से है तो हमें सीधे वाले को पकड़ के सबसे पहले सिलाई कर लेना है। तो देखिए हम इस ऊपर वाले को छोड़ देंगे और ये आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ तक तो सिलाई कर लिया है इसकी। हम इस ऊपर वाले को छोड़ देंगे और यहाँ से अंदर वाले की सिलाई करेंगे सबसे पहले ताकि हमारा जो सीधे तरफ से कैप की सिलाई होगी वो एकदम चिकना होगा, बिल्कुल बेकार नहीं दिखेगा। ये देखिए इसको हमें बहुत ही टाइट नहीं कसना है, बहुत लूज भी नहीं करना है, मीडियम में ही थोड़ा इसको टाइट कर करके फिर हमें इसकी सिलाई कर देना है। अब देखिए जी मैंने कैप के पूरा आगे तक सिलाई कर लिया है। अब जो हमारा ऊपर वाला धागा बच गया ये ऊपर वाले बॉर्डर की सिलाई, तो देखिए अब हम इसको यहीं से फिर शुरुआत करेंगे और हम इसको यहाँ से इसकी भी सिलाई कर देते हैं ताकि हमारा इधर से भी एकदम चिकना दिखे। आप ये देख सकते हैं मैंने अंदर वाले बॉर्डर की सिलाई कर ली है ये। अब हमें ऊपर वाले बॉर्डर की सिलाई करना है। तो देखिए मेरा इसकी भी सिलाई हो चुका है। अब हमें यहाँ एक टाइट नोट लगा के, ये देखिए मैंने सारे बॉर्डर की सिलाई कर ली है। अब हमें यहाँ इसको बहुत ही दो चार बार नोट्स लगा के और इसको हम कैंची की सहायता से काट लेंगे। देखिए आप ये देख सकते हैं मेरा एक कैप बनकर तैयार है। अब इसमें कुछ भी नहीं करना। अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा बनाया गया सारा वीडियो आप तक आसानी से पहुंच के।
अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।